ये देखो, आप कोई कंफर्टेबल गाड़ी चलाओ, बिल्कुल ही आप एक्सयूवी जैसी सॉफ्ट स्मूथ हैंडल्ड गाड़ी चलाओ तो आपको लगेगा ये मैं क्या चला रहा हूँ। लेकिन आप स्कॉर्पियो सफारी शुरू से चला रहे हो, आप फॉर्च्यूनर भी चला रहे हो, तो आपको लगेगा वाह क्या गाड़ी चला रहे हो। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। कुछ दिनों पहले इस टाटा सफारी का जो है सफारी स्टॉर्म का आपने एक ओनरशिप एक्सपीरियंस देखा था। उस ओनरशिप एक्सपीरियंस में ना ओनर ने बताया था कि ये जो गाड़ी है ना, इसको चलाने के बाद किसी इंसान को दूसरी गाड़ी नहीं पसंद आती, जो कि एक प्रैक्टिकल बात है। हर इंसान का होता है, जो गाड़ी जो है 10-12 साल के लिए कोई चला लेता है उससे अटैचमेंट इतनी हो जाती है कि दूसरी गाड़ी कोई समझ ही नहीं आती। तो आज मैं पीछे का जो रीज़न है वो जानने के लिए टाटा सफारी की चाबी अपने साथ लेके आ चुका हूँ। यानी कि आज एक इन डेप्थ इन डिटेल इस गाड़ी का जो है आपको रिव्यू मिलने वाला है कि मेरे को चलाने में ये गाड़ी कैसी कुछ लगती है, इस गाड़ी की फील कैसी, इस गाड़ी का ऑरा कैसा, इस गाड़ी का रुतबा कैसा, इस गाड़ी की क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले इसकी चाबी की बात करूँ, ये चाबी जो है बाहर से बनवाई गई है, ऐसी चाबी इसकी बिल्कुल नहीं आती थी। अब इस गाड़ी के जो है ना मेन इंजन की बात करूँ, 2200 cc का इसका जो है डीजल इंजन आता था, टर्बो का, जो निकालता था अपने 138 से लेके 140 bhp और 320 Nm का टॉर्क। पावर फिगर्स जो है ना सेम XUV 500 वाली ये निकाल के देती थी, लेकिन फील ना इस गाड़ी की उतनी पंची है नहीं है। सारी जो है मैं ड्राइविंग के टाइम पे बात करूंगा। इसका आपको एक बार इंजन का बे खोल के दिखाऊं अपना। यहाँ आ जाते हैं, ये जो है इसको खींच दिया हमने, खोलो गाइस। चॉकलेट हाइड्रोलिक स्ट्रट्स जो है आपको यहाँ मिल जाती थी, 140 वेरिकोर का ये रहा टाटा का इंजन। अब इसकी पावर कैसी कुछ है, एक तो ये बहुत बढ़िया फीचर इन्हें दे रखा था हाइड्रोलिक स्ट्रट्स वाला। हेडलाइट के ऊपर आऊँ तो आपको लो बीम जो है प्रोजेक्टर मिल जाएगी, नॉर्मल जो है येलो वाली लाइट आती है, LED नहीं है। हाई बीम जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ जो है आपको टर्निंग इंडिकेटर्स मिल जाते थे, नीचे जो है आपको फॉग लैंप का ऑप्शन भी मिल जाता था। ग्रिल की बात करूँ तो क्रोम में इसमें स्टॉर्म लिखा हुआ है, नीचे जो है टाटा का आपको यहाँ पर लोगो मिल जाता था। तो अब इसका बोनट की बात करूँ ना, एकदम फ्लैट आउट बोनट है, अंदर बैठ के ना एक्चुअल में रियल SUV वाली फीलिंग इस गाड़ी को चलाते हुए आती है। टायर की बात करूँ तो ब्रिजस्टन के डुएलर जो है हाईवे टेरेन जो है लगे हुए हैं, 235/70R 16 इंचज के आपको यहाँ पर टायर मिल जाते थे। टाटा सफारी में जो है स्टॉर्म में तीन ऑप्शंस के साथ, यानी तीन वेरिएंट्स के साथ जो है मेन लॉन्च हुई थी, बाद में जो है इसमें 4x4 का ऑप्शन भी दिया गया था। अब इसके तीन वेरिएंट्स की बात करूँ तो बेस आता था LX, ये है मिडल वेरिएंट EX, इससे ऊपर आता था एक VX वाला मॉडल, उसके अंदर जो है टच स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता था, उसके अंदर जो है आपका अलॉय व्हील्स भी मिल जाते थे और उसके अंदर एयरबैग भी मिलते थे। इस गाड़ी के अंदर एयरबैग ही नहीं है, ये चीज़ गुल हो रखी है। साइड में आऊँ मैं तो ये जो लुक था ना शुरू से जो है टाटा सफारी का मेन वाला गया था, ऊपर जो ऐसे हमसा दे रखा है कि अब जो सफारी आ रही है उसके अंदर भी इस लुक को लाने की कोशिश करी, बट इतने जो है मज़े नहीं आए नई वाली सफारी देखने के बाद। यहाँ बात करें तो साइड के जो इसके इतने बड़े शीशे हैं, इसके ऊपर जो है आपको टर्निंग इंडिकेटर्स भी मिल जाते थे। साइड में अगर मैं साइज़ की बात करूँ, एक्चुअल में ये गाड़ी जो है ना रेंज रोवर के डिफेंडर की साइज़ की, अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ, इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, बट एक्चुअल में पीछे से इसकी ऊंचाई देखोगे ना, गाड़ी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ऊंची है। अब आ जाता हूँ पीछे, जो डाइकोर आती थी ना उसमें आता था पीछे स्पेयर व्हील, यहाँ पर यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो है नीचे माउंट कर रखा है। दो वर्किंग एग्जॉस्ट यहाँ पर मिल जाते थे, टाटा का लोगो आपको यहाँ मिल जाता है, EX का जो इसका वेरिएंट था वो यहाँ जो है सफारी स्टॉर्म की बैजिंग आ गई थी, ये रहा आपका टाटा का लोगो। इसको खोले तो आराम से खुल जाता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता, गुड नाइस। यहाँ बात करें तो दो आपको छोटी छोटी चुन्नी मुन्नी जो है सीटें यहाँ पर मिल जाएंगी, आपको एडजस्ट करनी हो, खोलनी हो, बांधनी हो, कुछ करना हो करो। और बूट स्पेस की बात करें अगर ये दोनों सीटें फोल्ड करने बाद तो ठीक है। अब मैं बताऊँ, बड़ा आदमी ग्रोन अप एडल्ट इसके ऊपर इतना इजीली या इतना कंफर्टेबली नहीं बैठने वाला है। इसके अंदर जो है ना ऐसी सीट वाला ऑप्शन नहीं है, ये साइड साइड वाला है, तो इसको बंद कर देते हैं, चलो आप ऐसे रहो। यहाँ बात करें तो आपको अगर खोलना हो, अंदर बैठा हो बंदा उसको खोलना हो, तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाता था, सामान यहाँ रखना है रखो, और 1 2 3 जोर बहुत लगता है इस गाड़ी को हैंडल करने में। अब मैं अपनी एक पर्सनल चीज़ बताऊँ, हमारे पास जो है 2016 से 2019 के आसपास तक सफारी स्टॉर्म रही थी, वो एक्सपीरियंस अलग था, तब मैं छोटा था, तब मेरे को इतना ज़्यादा मैंने ना इस गाड़ी को चलाया था ना प्रयोग करा था। आज मैं देखूंगा कि क्यों ली थी घर वालों ने ये गाड़ी। अब पीछे का जो मैंने दरवाज़ा खोल दिया, देखो इतने टाइम पे ना
थोड़े बहुत ढीले ज़रूर पड़ जाते दरवाजे, लेकिन टाटा का लोहा, इट इज़ वॉट इट इज़। ओके, यहाँ की बात करें तो आपको म्यूजिक सिस्टम का जो है स्पीकर एक यहाँ पर मिल जाएगा, शीशा अप डाउन करने का आपको यहाँ स्विच मिल जाएगा, बॉटल होल्डर तो मैं नहीं कहूँगा बट सामान होल्डर तो है यहाँ पर क्रोम में। ये अच्छा, मेरे को ये फिनिश अच्छी लगी, ये क्रोम में दे रखी है, दिस इज़ नाइस फिनिश। अब मेरे को एक चीज़ याद है अपनी पुरानी सफारी की, इसकी जो मिडल रो थी ना बड़ी कम्फर्टेबल बताया करते थे, तो आकर ज़रा इसमें पधार लेते हैं। ठीक है, देखो इतनी कोई कम वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरे को। सामान ज़रा साइड में सरका देते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं सेंटर का आर्मरेस्ट, बड़ा इसका दुखदायक था, मेरे याद है पुराना वाला। क्यों? क्योंकि ऐसे खोल लो इसको, यहाँ से आपके जो है कप होल्डर, और ऐसे इस गाड़ी को आप आराम से रखो। सामने जो है स्पेस की मैं बात करूँ तो ठीक है, आगे बढ़िया बैठा हुआ है भाई, खुल के मौज में एकदम है, फुल स्पेस। पीछे भी ठीक है, देखो मेरे को स्पेस में कोई परेशानी नहीं है। ऊपर जो है आपको ये बहुत तगड़ा सिस्टम लगता था, चार जो है आपको एसी के वेंट ऊपर मिल जाते थे, ये जो है आपको एसी का कंट्रोल यहाँ पर मिल गया। ओके जी, दो वेंट आपको नीचे भी मिलते थे, पीछे वाले बंदे के लिए एसी की दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ जो आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाता था, और पीछे ना ठीक है कैबिन, मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये जैसे मैंने ये सीट जो है एकदम पीछे कर रखी, तो इसके बावजूद भी पीछे जो है अच्छी खासी जगह है। अब इसको वापस फोल्ड कर देते हैं, आओ। ठीक है, पीछे जो आपको दो अपने हेडरेस्ट मिलते थे, बीच वाले बंदे का तो सर है ही नहीं, कोई नहीं खैर। बाकी अरे बाहर से खोलना भाई, ये लगता है चाइल्ड लॉक लगा हुआ है, मैं फंस गया हूँ गाइस, मेरे को निकालो। खोल भाई, या चलो ड्राइवर कल आना, ठीक है, आज तुम्हारी छुट्टी कर दी है मैंने। तो पीछे जो आपको एक कैमरा दिखा देता हूँ, ये आफ्टर मार्केट लगा है शायद, और जो आपको चार पार्किंग सेंसर यहाँ पर दिख जाते थे। अब आ जाता हूँ इसकी ड्राइविंग वाली साइड पे, तो ये ड्राइवर का दरवाज़ा खोल दिया है, ये ऑप्शन आफ्टर मार्केट लगाया गया है। ओके जी, नाइस, आई लाइक दिस यार। यहाँ जो आपको म्यूजिक सिस्टम, अब आया है बॉटल होल्डर यार, अब थोड़ी जगह दिखे यहाँ पर, ठीक ठाक जगह है। एक्सेस अगर इस करो ना बैठ के, तो एक्सेसिबिलिटी में भी ये मामला ठीक है। चार जो है आपको शीशे अप डाउन करने का यहाँ पर मिल जाता है, चाइल्ड लॉक और फ्यूल का ढक्कन खोलने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है, गुड। मेरे को ना सबसे बढ़िया इंटीरियर में ना ये फिनिश लगी, ये जो क्रोम वाली फिनिश दे रखी है ना, आई लाइक दिस वन सिस्टम। अब आ जाता हूँ यहाँ पर, तो आपको हेडलाइट जो है एडजस्ट करनी हो तो मेन लाइट यहाँ से, फॉग लाइट जो है आगे पीछे की, आप यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हो। टाटा ने जो है जर्मन गाड़ियों की फिनिश देने की सोची, बट ठीक है, कामयाब हुई थोड़ी बहुत। अब आ जाते हैं यहाँ इसके एडजस्ट में, तो आपको हाइट एडजस्ट ये यहाँ फुल सिस्टम मिल जाता है, ये जो है आपको रिक्लाइन करने का बढ़िया मिल जाता है। सीट जो है आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, अभी जो है बिल्कुल पीछे हो रखी है, इससे पीछे सीट नहीं जाएगी। अब बता देता हूँ ये बढ़िया चीज़ है, ये जो है ना ड्राइवर आर्मरेस्ट और को ड्राइवर आर्मरेस्ट, आई लाइक दिस। अब आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, देखो सीधा पैर यहाँ टेकोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैर खोलना पड़ेगा, यहाँ टेको आराम से। लो जी, बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर, तो अब हाँ वाह जी वाह। लो भाई छोड़ो गाड़ी को जो है क्लच दबाए, गाड़ी कर दी है हमने स्टार्ट। स्टार्ट करते ही जो है आह क्या बेहतरीन वाइब्रेशन आई है गाड़ी के अंदर, मजे आ गए। तो अब इस गाड़ी की बात करूं, 147,000 किलोमीटर ये गाड़ी यहाँ पर चली हुई है। यहाँ पर जो है आप इसको ट्रिप जो है अपनी सेट करना चाहो तो सारा आपको ये मिल जाता है। ओके ट्रिप है, ट्रिप भी आप यहाँ सारी जो है देख सकते हो। टेम्परेचर जो है इंजन टेम्परेचर यहाँ मिल जाता है, फ्यूल गेज आपको यहाँ मिल जाता है, सारा जो है एनालॉग डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है। 6000 RPM तक की मार्किंग, यानी कि जो गाड़ी है डीजल है। अब बेसिक डीजल हो, आप इसकी जो है ना माइलेज के साथ बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, या आप बहुत ज़्यादा सोचो कि बहुत ज़्यादा ही गाड़ी माइलेज दे, तो ये मत सोचना। सबसे बेस्ट फीचर, आई लाइक दिस आर्मरेस्ट, बेस मॉडल में नहीं आते थे, इस वाले से आना शुरू हो गए थे। यहाँ की बात करें तो ये चार्जिंग सॉकेट बोलो या इसको आप बोलो अपना सिगरेट लाइटर, जल जाओ सारे, बंद कर देते हैं इसको। और चश्मा यहाँ रखो, यहाँ पर आपको सामान रखना है आप यहाँ पर रखो, यहाँ जो है आपको आपके ऊपर है आपको कौन सा म्यूजिक सिस्टम लगवाना है। टच स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता था, सॉरी टू से। यहाँ बात करें तो आपको एसी के कंट्रोल मिल जाते थे, हैजार्ड स्विच ऑन,
चलो चलो चलो, चलता है चलता है। अब ये बात करूं ना, ये करके दिखाओ, क्या व्यू है भाई। मतलब आपको यूं नहीं लगने वाला कि सामने आपके शीशा है। 56 इंच का इनने सीधी LED की स्क्रीन लगा दी, इतनी बड़ी, ऐसा लगता है आप कमरे के अंदर बैठे हुए हो। और हेडरूम की ना आपको यूं लगने ही नहीं वाला कि मेरे सर ऊपर भिड़ेगा ये जिंदगी में, चाहे मैं सीट कितनी ऊपर कर लूं। अब मैं एक चीज बताऊं, 6 फुट हाइट है मेरी। अब मेरे को कंफर्टेबली बैठना हो ना, मैं जैसे अभी कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, अब मैं सीट ना ऊपर उचका सकता हूँ। मेरे को आदत है सीट हमें एकदम हाई रखते हैं और सीट पीछे करता हूँ मैं, ताकि जो है ना मेरे को ये बोनट का पूरा व्यू मिले। हालांकि अभी भी मिल रहा है, बट मेरे को जो है सीट ऊंची करने का मन कर रहा है। ये चलो जी, पूरी ऊंची कर रखी है सीट। अब व्यू जो है ना, बोल सकते हैं व्यू इस गाड़ी का बहुत तगड़ा है। तो अंदर और बात करने को कुछ है ही नहीं, यहाँ खोल के देखे तो आपको सामान जो है चाट मसाले मिल जाते हैं आपको, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आप यहाँ जो है अपना अच्छा खासा सामान रख सकते हो। एयरबैग तो है ही नहीं गाड़ी के अंदर, एयरबैग भूल जाओ। हम पे तो आई नो। यहाँ आपको यह सामान रख लो, यहाँ पर पैर भी रख सकते हो क्योंकि एयरबैग की वजह से वो टांगे नहीं टूटेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर दिया है कि आपको यहाँ अगर टांग रखनी हो तो आपकी, हाँ, रिलैक्सिंग फीचर है कि आपको अगर टूटे नहीं, ये टूट जाएगी। यस, गुड, आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। इकोनॉमी, ये इकोनॉमी पे ही रहती है हमेशा। चलो ये ठीक है, पीछे का AC आपको ऑन करना हो तो ये आपको बटन मिल जाता है। यहाँ से जो है आप इसका सारा टेम्परेचर हैंडल कर सकते हो, मोड यहाँ से आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा बेस, आई वॉन्ट एक्स्ट्रा बेस इन माई लाइफ, या दम दम दम। तो चलो ड्राइविंग करते हैं शुरू। तो अब जो है गाड़ी के अंदर हम बैठ चुके हैं, गाड़ी को कर दिया है स्टार्ट। हल्का सा जो मैंने ऑफ रोडिंग का पैच देखा, सस्पेंशन इज नाइस, आई लाइक दिस सस्पेंशन ऑफ दिस कार। क्लच अब मैं दबाऊँ ना तो जितना मेरे को लगता था भारी है उतना नहीं है, ठीक है। क्लच मेरे को नहीं लग रही क्लच में इतनी प्रॉब्लम, और ना मेरे को स्टेयरिंग में इतनी प्रॉब्लम लगी चलाने में, सही है। अब इनिशियली आप इस गाड़ी को उठाओगे ना, एक तो इसका थ्रो बहुत ज़्यादा है, आपको पूरा ऐसे काम करना पड़ेगा। बट अब SUV चला रहे हो आप तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना। स्टेयरिंग के साथ आप ये मत सोचना कि फीडबैक भी कोई चीज़ होती है, या जो है आप एकदम जहाँ इस गाड़ी का मुंह कर दोगे वहाँ पर ये गाड़ी मुड़ जाएगी। तो देखो SUV चला रहे हो तो इतना आपको करना पड़ेगा। बट सबसे बेस्ट थिंग अबाउट दी टाटा सफारी और दिस पर्टिकुलर सफारी स्टॉर्म, इसका व्यूइंग एंगल जो मैं बोलूँ, इस गाड़ी का ना मेरे को कतरा कतरा कोना कोना दिखाई दे रहा है, पूरा जो है मेरे को तगड़ी विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो एक बोलते ना कॉन्फिडेंस, गाड़ी के अंदर बैठ के कॉन्फिडेंस की, भाई हाँ मैं नहीं मानता किसी को कुछ, आपको वाली फील जो है टाटा सफारी के अंदर आने वाली है। और धीरे धीरे पांचवें गियर पे मैं आ चुका हूँ, छठा गियर गाड़ी के अंदर नहीं है, 80 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ हल्की सी लचक के साथ, और हाथी की सवारी, आप ऐसे 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 आराम आराम से चलते जाओ, कोई आपत्ति नहीं है जी, ठीक है। अब यहाँ जो है हल्का सा आपको ऑफ रोड का पैच दिखने वाला है, बट इट इज़ अ सफारी और इट इज़ अ रियर व्हील ड्राइव, तो मज़े तो आने वाले हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं है, रियर व्हील ड्राइव है ये गाड़ी, और इसकी तगड़ी कॉम्पिटिटर आती थी वो अपनी स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के मामले में अगर मैं इस गाड़ी के आपको कंपैरिजन बताऊं, स्कॉर्पियो से ज़्यादा रॉ और रोबस्ट फील होने वाली है। जैसे स्कॉर्पियो आती थी इस टाइम के भी, अगर ये 15 में आई थी, 15 में जो है नई वाली स्कॉर्पियो आ चुकी थी, उसके अंदर आपको स्मूथनेस हल्की सी ज़्यादा मिलने वाली है इस गाड़ी के कंपैरिजन में। बट इंटीरियर जो की बात करूँ ना, इंटीरियर उसका इतना मजेदार नहीं है जितना इसका है। इसका इंटीरियर फिर भी कई गुना बेटर है अगर मैं स्कॉर्पियो से अगर कंपेयर करूंगा। स्टेयरिंग की बात करूँ तो फोर स्पोक का दिस टाटा के ट्रक जैसा स्टेयरिंग आपको मिल जाता है, गुड ब्रेक्स यार, ये ब्रेक मारो तो ऐसे ऐसे आदमी होता है कैसे। दूसरे गियर पे लगा के क्लच छोड़ दिया, कई चीज होती है भाई कुछ गाड़ी नहीं ना यार, हल्का है मतलब उतना भारी जितना बता रहे थे ना, जैसे पापा बता रहे थे, या तो उस गाड़ी में ही प्रॉब्लम थी, नहीं है उतना भारी नहीं है। XUV के मामले में मेरे को इतना खराब नहीं लगा इसका। अरे क्या कर रहा है, पागल हो रहा है। चौथा गियर लगा दिया है,
गियर शिफ्ट स्मूथ है, ठीक है, जो बोलते हैं ना कि बहुत भारी भरकम गाड़ी है, गियर शिफ्ट स्मूथ है गाड़ी की, आपको बिल्कुल यूँ नहीं लगने वाला कि मेरे को प्रॉब्लम है गियर शिफ्ट बदलने में या गियर बदलने में। क्लच गियर का रेशियो जो है वो भी ए टू जेड अपना परफेक्ट है, कोई आपत्ति नहीं है। कैसा लग रहा है बैठ के? एक नंबर। मतलब लग रहा है ना ऊंचा ऊंचा कुछ है, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए ऐसा लग रहा है। अब जैसे कोई छोटी गाड़ी चल रही हो ना, उसका रियर व्यू जैसे ये वाला जो शीशा होता है वो भरने के लिए ये गाड़ी काफी है, ठीक है। ये गाड़ी अगर उसके शीशे में आ गई तो उसके शीशे में और कुछ नहीं दिखने वाला, गाड़ी का कुछ ऐसा सिस्टम है। अब मैं बात करूं इस गाड़ी की राइड क्वालिटी के बारे में, तो बिल्कुल प्लेन रोड पे चल रहा हूं, कोई वो नहीं है। जितना आपको स्कॉर्पियो के अंदर वो मिलता है ना बॉडी रोल, ये उस टाइम जो स्कॉर्पियो में मिलता था बॉडी रोल, उससे तो ठीक है भाई, स्कॉर्पियो ज्यादा ही झूलती है। तीसरा गियर अपना बढ़िया, चलते रहो। देखो टाटा सफारी ऐसा नहीं है गाड़ी नहीं भागती है, गाड़ी की परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी लगी, पंची है इंजन अपना डीजल का जो है, बढ़िया इंजन है, बट बिल्कुल हाई स्पीड पे चलाने वाली गाड़ी नहीं है ये। जैसे स्कॉर्पियो की भी बात करूं, इसकी भी बात करूं, चला लो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी मना नहीं करेंगी कि तेज भागने से, एकदम बढ़िया घोड़े की तरह भागेंगी, बट उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आने वाला क्योंकि सस्पेंशन जो है सॉफ्ट होते हैं इसके। अब मैं ये करूं, ये देख रहे हो आप, मतलब इंसान इधर से उधर तो नाचेगा ही नाचेगा, एकदम इतने सॉफ्ट सस्पेंशन है इस गाड़ी के। अब इसके लिए या तो टायर जो है वो भारी आप लगवाओ तो जो है आपको थोड़ी और बेटर जो है हैंडलिंग मिल जाए इस गाड़ी की, बाकी तीसरा गियर मारा अपना चल रही है गाड़ी आराम से। पंजा दूं A1 भाई, मतलब सही में यूं लग रहा है बिल्कुल सर पे चढ़े हो आप लोगों के, एकदम ऊपर बैठे हो। अब ये देखो, देख रहे हो स्टेयरिंग हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा था, ये अपना बैलेंसिंग की कमी है, व्हील बैलेंसिंग करवाओ ओनर इफ यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो। और ठीक है, देखो स्टेयरिंग ऐसा नहीं कि स्टेयरिंग के अंदर मेरे को डेड स्पॉट बिल्कुल भी नहीं लगा, जैसे मेरी XUV उसके अंदर डेड स्पॉट है, मैं स्टेयरिंग हल्का हल्का यूं कर दूं ना गाड़ी कहीं नहीं जाती, इसमें डेड स्पॉट नहीं है, ठीक है। बट एकदम ही भी यूं नहीं है कि बिल्कुल ही फीडबैक में मजे आ रहे हो, SUV इज SUV भाई, मतलब ऊंची गाड़ी चलाने का अलग मामला है। अब मैं बात करूं सफारी और स्कॉर्पियो के बीच में फर्क का, क्योंकि स्कॉर्पियो तो दुनिया भर की चलाई मैंने, जो 15 मॉडल थी मैंने वो भी चला के देखी है, मैंने ये भी चला ली, इसके इंजन की परफॉर्मेंस बेटर है, ये गाड़ी और ज्यादा रोबस्ट फील होती है, इसका सस्पेंशन और ज्यादा कंफर्टेबल है, इसका इंटीरियर और ज्यादा बेटर है, एंड सबसे मेन इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी उससे बेटर है। तो सफारी के ऐसे फैंस नहीं बनते, मैं जैसे चला रहा हूँ ना इस गाड़ी को, मेरे को पता चल रहा है कि सफारी के क्यों फैंस बनते हैं। मैं कोई प्रॉब्लम लग रही है प्लेन सड़क पे कि गाड़ी में, मतलब आप बिल्कुल लो RPM पे हो ना तो गाड़ी के अंदर आपको लगेगा कि वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा है, बट जैसे ही आप क्रूज करते हो ना, आप हो 150 से 2000 RPM के बीच में, 2000 RPM के आसपास गाड़ी स्मूथ है। क्लच में मेरे को अभी तक कोई आपत्ति नहीं लगी, क्लच और ब्रेक जो अपना गियर है उसका रेशियो बढ़ा है, और ब्रेकिंग भी जो है गाड़ी की A1 है अपना, कोई आपत्ति नहीं है ब्रेक मारने में गाड़ी की, बस ये है नोज ड्राइव बहुत ज्यादा है इसकी ब्रेकिंग के अंदर, ये लगता है, यू फील अलाइव इन गाड़ी को आप चलाते हो ना, एक तो मैनुअल है अच्छी बात है, ऑटोमेटिक नहीं आती थी, ये लगता है आपकी गाड़ी से जुड़े हो। अब जैसे गाड़ी बड़ी जा रही है, लोग ना बहुत कंफर्ट ओरिएंटेड हो रही है, मेरे को इसका कंफर्ट में भी कोई आपत्ति नहीं है, मतलब एक तो सेकंड हैंड मार्केट में ना ये लोहे के दाम पे बिकती है ये गाड़ी, इसकी इज्जत करते नहीं लोग, यही होता है। अब जैसे फोर्ड की इको स्पोर्ट है, बहुत प्यारी गाड़ी है लेकिन सेकंड हैंड मार्केट में उसका दाम नहीं है, स्कॉर्पियो हो गई, फॉर्चुनर होगी, अब उनसे भी बेटर ऑप्शंस है मार्केट में, बट सेकंड हैंड में अब गाड़ियों का नाम बना हुआ है। तो देखो आप अगर चाहते हो कि एकदम मैनली गाड़ी आपको मिले, अब मैं देखो टाटा की सर्विस के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मेरा जो है उस टाइम एक्सपीरियंस खराब ही चलता था, अभी लोगों का खराब चलता है, रिलायबिलिटी का कंसर्न इंजन से रिलेटेड कुछ नहीं है, बस गाड़ी को जो है आप प्यार प्यार से चलाते जाओ, गाड़ी को अब्यूज मत करो, ठीक है। इंजन वाइज जब सर्विस मांगे, जो पार्ट मांगे दो इस गाड़ी को, और ये गाड़ी जो है चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, कोई गलावट की आपको वो नहीं आने वाली। स्कॉर्पियो से
इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अगर आप बात करो 15 मॉडल सफारी या 15 मॉडल स्कॉर्पियो, तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी सफारी स्टॉर्म बेटर है, ठीक है। ऊपर से हाइट भी ज़्यादा है गाड़ी की, ऊपर से मज़े तो आ रहे हैं, देखो कुछ बोलो। ये हमारा तीसरा गियर, बता एम जी एक्टर यूँ लग रहा है, साइकिल पाइकल सी चल रही है कोई सामने, इतनी छोटी लग रही है सब कुछ। जैसे मैं सिविक चलाता हूँ, सिविक जब चलाता हूँ तो मैं सड़क पे सबसे नीचे बैठा होता हूँ, मैं ये चला रहा हूँ ना तो मैं सड़क पे सबसे ऊंचा बैठा हूँ, ठीक है। मैं फॉर्च्यूनर से ऊंचा बैठा हूँ, मैं महिंद्रा थार से ऊंचा बैठा हुआ हूँ, तो सारी ये जो चीज़ें हैं ना, ये देख के आपको मज़े आने वाले हैं। अब मेरे से आप पूछो कि गाड़ी के अंदर आपको कमी सबसे ज़्यादा क्या लगी, या तो इस गाड़ी की चौड़ाई थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी अगर इसकी हाइट इतनी बढ़ा रखी है, या इसका सस्पेंशन जितना सॉफ्ट है उतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल ही मतलब चल रहे हैं ना। अब जैसे मोड़ रहा हूँ मैं, मोड़ने पे मेरे को जो है इसकी क्या बात है, इसकी जो अपनी स्टेबिलिटी उसका कंसर्न नहीं है, बट जैसे सीधा चल रहा हूँ ना मैं, हाईवे पे कटिंग मैं नहीं कर सकता यार। अब ये जो है ना, ये चीज़ें कुछ गाड़ियों में आपको बेटर मिलेंगी, ये आप है ना, ये थोड़ा है। लेकिन अब मैं गाड़ी ऐसे यू टर्न लूंगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो लो स्पीड पे इस गाड़ी की जो है स्टेबिलिटी अच्छी है, हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी में गाड़ी थोड़ी बहुत मात खाती है, बट स्टिल बेटर देन दी स्कॉर्पियो उस टाइम जो आती थी। और स्कॉर्पियो जब एस 11 वाला 140 bhp वाला वेरियंट आया था ना उसका 2018-19 के टाइम, उसका सस्पेंशन बहुत बेटर कर दिया था, वो गाड़ी एक्चुअल में बहुत स्टेबल कर दी थी उन्होंने। अस्सी हाई स्पीड इतनी फील नहीं होती गाड़ी के अंदर, सही है। देखो अब एक चीज ना मैंने नोटिस करी, गाड़ी ऊंची है ठीक है, गाड़ी में 100-120 पे भी भगाऊं तो अंदर जो है ना इतनी विंड नॉइज नहीं आ रही गाड़ी के अंदर, तो ये भी ना गाड़ी की क्वालिटी के साथ थोड़ा बहुत जो है ये माना जाता है कि गाड़ी की क्वालिटी कहीं ना कहीं बेहतर हो जाती है। अब देखो बहुत ज़्यादा रॉ फील होने वाली है गाड़ी आपको, कोई आप सॉफ्ट गाड़ी चलाते हो ना बिल्कुल कंफर्टेबल, जैसे हम एक्सयूवी चलाते हैं, तो हमें नहीं मज़े आएंगे इस गाड़ी के अंदर, यूँ लगेगा कि यार कंफर्ट ही नहीं है, वाइब्रेशन है गाड़ी के अंदर, कूदती फांदती ज़्यादा है। लेकिन जिस इंसान को आदत है ना इस गाड़ी की, उसको फिर सॉफ्ट गाड़ियाँ पसंद नहीं आएंगी, सही है। देखो मेरे को कोई इश्यूज नहीं है अभी तक इस गाड़ी के साथ, मतलब फैन ऐसे ही नहीं बनते, परमेश्वर यू ही नहीं बोलता, टाटा सफारी वर्गी गड्डी ही नहीं बनी, लगता है उस बंदे को यार आदत है। आई गॉट इट मामू, आई गॉट इट, क्यों खरीदी थी आपने लग रहा है कि सड़क पे चल रहा है कुछ रथ जैसा, देख रहे हैं लोग कहीं भीड़ भड़ाके में चल रहे हैं। अब मैं आपको ना हल्के से जो है भीड़ भड़ाके वाले इलाके में या थोड़े से आपको शहर के अंदर ले चलता हूँ, जहाँ भीड़ हो, जहाँ थोड़ा ट्रैफिक हो, जहाँ हल्की सी पतली सड़क हो, तो आपको पता चलेगा कि SUVs गाड़ी जो होती हैं, SUV गाड़ियाँ होती हैं, या एक्चुअल में हाईवे पर चलने में उससे बेहतर जो है शहर में चलने में कैसे होती है, या इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों कैरी करती हैं ये गाड़ियाँ, ठीक है जी। ज़रा शहर में मिलते हैं। अब जैसे हल्के से आप इंटीरियर में जो है प्लास्टिक बजने की आवाज नहीं है, दरवाजे बजते हैं इसके, ये चीज देखने की चीज है। अब मैं बिल्कुल हाई लेवल पे है कैमरा मेरे, ठीक है, देख सकते हो आप क्या फर्क है, सबसे ऊंचे बैठे हुए हो, मेरे को मेरे से 100 meters आगे का भी दिख रहा है कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है, कब कितनी कट करेगी, और कहाँ से मेरी गाड़ी निकल सकती है, पेचीदा सड़कों से, पतली पतली जगहों से, लोगों के बीच से। तो ऊंची गाड़ी हो ना ये आपको बड़ा वो दिखता है कि हाँ जी भैया अंकिल प्लीज आराम से। अब जैसे मैं ये चला रहा था ना, SUV इतनी छोटी लगती है इसके सामने, जैसे एक सीवी गाड़ी आपको साइड में हल्का सा जो है आसपास इस गाड़ी के आपको लेके चलूं, कितनी छोटी लग रही है बता देखो। तो बहुत चीजें होती हैं यार कि किसी गाड़ी की आपको समझ आ गई ना, पसंद आ गई तो कंफर्टेबल। कंफर्टेबल
इंजन की जो नॉइज है ना, आपको इंजन की आवाज खराब नहीं लगने वाली। देखो तेज है, ठीक है, नो डाउट गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है, आवाज इंजन की है, बट वैसी आवाज नहीं कि कानों में चुभे या मजे ना आए। सुरीली सी आवाज है इसके इंजन की, और स्पीड ब्रेकर तो छोटे मोटे समझ ही नहीं आते कि कुछ है भी। अभी एक एक्सी भी देखो, चुन्नू मुन्नू घोड़े से तो ऊंचे बैठे हो तुम, और बताओ। तो जैसे आप देख सकते हो हल्की सी जो है शहर के अंदर मैं चल रहा हूँ, गाड़ी अपनी चल रही है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ जो है गाड़ी चल रही है, मौज में चलो। अब मैं बताऊं अपना वर्डिक्ट कि ये गाड़ी क्यों, वैल्यू फॉर मनी बोलूं इस गाड़ी को, तो हो सकता है कि हाँ अगर आप यूज्ड खरीदो, क्योंकि लोहे के भाव पे मिलती है आपको। 15 मॉडल सफारी, 16 मॉडल सफारी आपको 4-4.5 लाख रुपए की मिल जाएंगी ये स्टॉर्म, और कोशिश करना थोड़ी कम किलोमीटर चले हुई आपको मिले, ताकि खर्चा जो है थोड़ा कम मांगे। लेकिन एक बार अगर आपको इस गाड़ी से प्यार हो गया, किसी और गाड़ी को पसंद करना आपको थोड़ा सा जो है दिक्कत वाला सिस्टम बन जाएगा। अब ये चलाने के बाद या तो आपको फॉर्च्यूनर पसंद आएगी, कि थोड़ी बहुत जो है लेवल की गाड़ी आपको लगेगी फॉर्च्यूनर की, हाँ इसके ऊपर का अपडेट मान सकते हैं, बट नई वाली सफारी इज जस्ट लाइक क्रेटा इस गाड़ी से अगर आप कंपेयर करोगे। अब जैसे उबड़ खाबड़ चल रहा हूँ अपना, बढ़िया कंफर्टेबल है, रियर व्हील ड्राइव है इसका भी बहुत तगड़ा फैक्टर है, आप जो है ऑफ रोडिंग में कहीं फंसने नहीं वाले। अब वाली जो सफारी है फंसती रहती है बेचारी, कहीं घुसा दो फंस जाएगी, एक ये है कहीं कुदा दो धरती उखाड़ के फेंक देगी ये, लेकिन ये नहीं फंसेगी, ऐसा सिस्टम है इसका। इसमें 4x4 वाला वेरियंट भी आता था, और 16-17 के बाद ना इसका इंटीरियर जो है चेंज कर दिया गया था, उसकी क्वालिटी जो है ना और बेहतर कर दी गई थी। तो आप सफारी के ऊपर जाना चाहो, पुरानी स्टॉर्म के ऊपर जा सकते हो। आपको देखो माइलेज का तो सोच के मत चलो कि एवरेज देगी, एवरेज चाहिए तो स्कॉर्पियो लो, स्कॉर्पियो फिर भी 15 की माइलेज दे देती है, ये वहां पर 10 की देगी, ठीक है, ये फर्क दोनों गाड़ियों के बीच में है। बट ये गाड़ी आपको हो सकता है मरने से बचाए, ये गाड़ी आपको हो सकता है क्वालिटी में बहुत बेहतर लगे, और ये गाड़ी हो सकता है कि एक बार आपको पसंद आ गई फिर तो मौज ही मौज है। अब जो है वहां एक बार उतार के गाड़ी को आपको हल्का सा ऑफ रोड वाला पैच करके वीडियो एंड करके आपको बताते हैं कि क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है। अब जैसे यहाँ आ जाओ, ये पहला गियर लगाया क्लच छोड़ दिया, कहीं खुदा दो है ना, कहीं आपको नहीं लगने वाला ये गाड़ी फंसेगी, कहीं आपको नहीं लगने वाला कुछ है, कोई परेशानी है या नहीं है। सफारी है ना जी, आहा जैसे न्यूट्रल यू नहीं लग रहा, चौथा वो था लगा हुआ गियर खोल के। अब चलते हैं बाहर, आ जाओ जी। तो मेरा वर्डिक्ट ऑन दी टाटा सफारी, ओजी इसलिए बोलते हैं इस गाड़ी को क्योंकि भाई साहब है ये चीज चलाने में ना आपको फील तगड़ी मिलने वाली है गाड़ी के अंदर। आपको मैं कह रहा हूँ जितने इश्यूज इसके बताए गए ना, रिफ्लेक्ट करे गए हैं कि गाड़ी जो है चलाने में कंफर्टेबल नहीं है। गाड़ी के अपने अपने मजे होते हैं, गाड़ी के अपने अपनी चीजें होती है। देखो आप कोई कंफर्टेबल गाड़ी चलाओ, बिल्कुल ही आप एक्सयूवी जैसी सॉफ्ट स्मूथ हैंडल्ड गाड़ी चलाओ तो आपको लगेगा ये मैं क्या चला रहा हूँ। लेकिन आप स्कॉर्पियो सफारी शुरू से चला रहे हो, आप फॉर्च्यूनर भी चला रहे हो, तो आपको लगेगा वाह क्या गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये जो दो फर्क है ना सेंटेंसेस के बीच में, शब्द सेम है लेकिन भाव अलग है, ये पता चलता है जब आप टाटा सफारी को ओन करते हो। तो लेनी चाहिए या नहीं, मैं कहूँगा ले लो, किलोमीटर कम चली हो। कोशिश करना जो बाद वाला वेरियंट आया था वेरिको जो वाला जो और बेटर आया था अपना, जिसका इंटीरियर अलग कर दिया गया था, वो वाला वेरियंट खरीदो, परचेज करो। सड़क पर चलते आप अलग दिखोगे, और टायर वायर लगवा लेना बढ़िया अपना, मॉडिफाई करो, ठीक है। तो यही थी गुजरात की वीडियो, ऐसा करता हूँ आपको अच्छी लगी है, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आपको पता है चैनल को क्या करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, फटाफट से जो है लाख वाख सब्सक्राइबर्स कर दो, फिर तगड़ा इसे जो है आपके लिए सरप्राइज लेके आऊँगा मैं, है ना जी। और कोई भाई अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे दिल्ली NCR में, आप मेरे से बेधड़क बेझिझक जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी जो है इंस्टा की आईडी, मेरी मेल आईडी, फेसबुक आईडी तीनों आपको दिख गई होंगी,
इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव हूँ तो फॉलो कर लो जाके, रील्स देखो मेरी वाली बढ़िया बढ़िया, और वहाँ जाके आप मेरे को मैसेज कर लेना कोई भी आपको सेकेंड हैंड गाड़ी से रिलेटेड डाउट हो तो वो भी आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।